ठीक है, ये हमारे पास सीकर से आई थी। इनका जब ये हाथ है, इनकी कोई भी चोट लगी थी और ये हाथ जब आया था तो ये उंगलियों में कोई मूवमेंट नहीं था और बिल्कुल जाम हो चुका था। और फिर इन्होंने हमारे बारे में कैसे ढूंढा, हमने क्या बताया, क्या एक्सरसाइज बताई और कितने टाइम में ठीक हो गई, ये आज आपको बता देंगे क्या है क्या नहीं। मैडम आपने स्टोरी बता दो कैसे क्या है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैंने सीकर में ऑपरेशन कराया, फिर मेरा हाथ बिल्कुल जाम हो गया। ऑपरेशन तो हो गया पर बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था, हाथ हिल भी नहीं रही थे, अंगुलियां अंगूठे में फ्रैक्चर था वो भी नहीं हिल रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पर इनके बारे में सर्च किया, डॉक्टर साहब के बारे में। हम यहाँ आए, दो महीने बाद आए थे हम। अच्छा, हम थक चुके थे दिखा दिखा के। फिर हमने सर के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में सर्च किया, फिर हम यहाँ आए और हमने सर से उम्मीद लगा के अपना हाथ दिखाया, तो सर ने देखा बहुत ख़राब हालत हो रखी थी हाथ की, तो सर ने दोबारा से एक प्लास्टर किया और हमें बहुत अच्छे से एक्सरसाइज बताई। हाथ तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था तो मैं एक्सरसाइज कैसे करती, फिर भी मैंने रो रो के किया। नहीं नहीं नहीं, अरे करा ना बस, ठीक है, इसके लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम अच्छे के लिए बता रहे हैं भैया। तो करा ना आपने, आज तो ठीक है, अच्छा अपना मूवमेंट दिखाओ, चलो छोड़ो और मूवमेंट करके दिखाओ ऐसे, अब तो स्माइल आई नहीं आई, अरे मूवमेंट करके दिखाओ, ये मूवमेंट है देखो यार। मैं इसके बाद क्यों रहा है, इतना मस्त काम किया आपने। तो जब ये शुरू में तो बहुत दर्द होता होगा ना आपको, हाँ, तो अब तो मस्त हो ना, कितने टाइम में ठीक किया आपने ये, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, कितना टाइम लगा था? दो महीने। हमने ज़्यादा दवाई दी थी क्या आपको? नहीं। कितने दिन की दवाई दी थी? 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन, मतलब एक महीना, एक महीने की दी थी मैंने, सच्ची में एक महीने की दी थी, एक महीने की दी थी। हाँ चलो, एक पेशेंट को तो मैंने एक महीने की दवाई दी है। और मैंने किसी एक्सरसाइज वाले का भेजा था आपको? नहीं, घर पर करा आपने? घर पे बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी शक्ति थी जो आप ठीक हो गई घर पर ही अपने आप? विश्वास था हमारे ऊपर, या जो हमने एक्सरसाइज बताई थी उस टेक्निक को समझ गई थी आप? सुबह शाम कर रही होती थी एक्सरसाइज? मैं, मेरे को जब भी दिन में टाइम मिलता मैं डॉक्टर साहब वाली एक्सरसाइज करती और बाद में मेरा धीरे धीरे सही हो गया। तो खुश हो गए बड़े में? तो जो भी दुनिया देख रही है उनको हमारे बारे में क्या पता होना चाहिए बता दो बस आपको, हमारे बारे में क्या पता होना चाहिए कि भाई हम क्या सबको ऑपरेशन कर देते हैं, मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि जो तुम्हें ठीक लगी थी हमारे बारे में, कि जो बाकी लोगों को पता होना चाहिए हमारे बारे में? नहीं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं और फिर अच्छे से मतलब एक्सरसाइज वगैरह खुद टाइम देख के और बताते हैं और वो टाइम भी देते हैं सर, और अच्छे से फिर इलाज भी हमारा हो गया। मैं तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा आज सही हो जाएगा, लेकिन हो गया। इतना अच्छा तैयार होकर आइए मैडम। हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा था आज ये सिर्फ ना गर्द, ये दर्द यहाँ की दर्द के कारण आई है मेरे पास गर्दन के लिए। तो मेरा कंधे में दर्द है, मैं उसकी वजह से आई हूँ, पर हाथ मेरा बिल्कुल सही है। तो मुझे पता नहीं था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा था कि मैंने इनका कुछ किया है क्या। इन्होंने बाद में बताया जाने के बाद कि सर आपने देखो मेरा हाथ ठीक कर दिया है। हाँ, तो मैंने कहा इनका वीडियो बनाते हैं, सर हम पहले आए हुए हैं और मेरा हाथ में ये दिक्कत थी और मेरा हाथ अब बिल्कुल सही है और मैंने दिखाया एकदम बिल्कुल सही परफेक्ट है। तो वही ये सारे लोग हैं जो कि डॉक्टर चाहे भूल जाए लेकिन अगर पेशेंट याद रखता है ना तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि सोच नहीं सकते आप। और हर एक लाइफ में हम ये कोशिश करते हैं वो ठीक हो जाए, तो आप भी ये कोशिश करो भैया, किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिल लो और कोशिश करो जिसने भी करा आपका अच्छा ट्रीटमेंट है, किसी के बारे में बेकार मत सोचो आप।